तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो जो भाई लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले देख सकते हैं फोटो हम लोग कुछ इस टाइप का, इसको हम लेके चलेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। उसके लिए शेयर बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली शेयर करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो यार भाई लोग, स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ बहुत सारा फिल्टर्स दिख जाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को एक्यूरेट पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इस वाला दिखेगा इसको आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, जो एक्यूरेट है। तो हम लोग इसको क्लिक कर दिए हैं फ्रेंड्स। हम देख सकते हैं फोटो हम लोग कुछ इस टाइप का हो चुका है फ्रेंड्स, एक ही क्लिक में। उसके बाद ऐसे डन कर देंगे और डन करने के बाद ऐसे हम लोग कुछ इस टाइप से टूल्स में फिर से क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेलेक्टिव टूल में और सेलेक्टिव से कुछ इस टाइप से यहाँ से सेलेक्ट कर देना है आपने। जब जहाँ पर आप लोग को ब्राइटनेस कम होगा वहाँ पर बढ़ाने के लिए आप लोग कम कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्टिव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस में करेंगे फ्रेंड। उसके बाद सेचुरेशन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा माइनस में रखेंगे फ्रेंड। उसके बाद ऐसे कॉपी कर लेंगे इसको और जहाँ जहाँ पे हम लोग का थोड़ा थोड़ा काला है उस वहाँ उस जगह में हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग वहाँ पर फटाक से पेस्ट कर देंगे जहाँ जहाँ पर हम लोग का थोड़ा थोड़ा काला दिख रहा है। उसके बाद यार फोटो को हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स ऐसे फोटो को हम लोग लेकर चलेंगे लाइट रूम के अंदर। उसके लिए यहाँ पे शेयर बटन में क्लिक करेंगे और ऐसे हम लोग शेयर कर लेंगे फोटो को। तो हम लोग यार फोटो को लेके आ चुके हैं लाइट रूम के अंदर। यहाँ आने के बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे फोटो गोरा करने के लिए आप लोग को नहीं, सबसे पहले आप लोग को एडजस्टमेंट करना है फोटो। उसके लिए आप लोग को ऑटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो हम लोग का कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे लाइट्स टूल में। लाइट्स टूल में आकर के यहाँ से हम लोग हाईलाइट्स को पूरा 100 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स और इसका शैडो को पूरा 100 बढ़ा देंगे। उसके बाद व्हाइट्स को भी हम लोग 100 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे। उसके बाद यार हम लोग चलेंगे कलर्स टूल में और यहाँ से आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आज आप लोग को मिक्स टूल में क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को जो दो नंबर वाला टूल है फ्रेंड्स उसको ले लेना है। उसको सेचुरेशन को हम लोग रखेंगे -37 रखेंगे और उसका ल्यूमिनस को हम लोग 86 रख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यार हम लोग चलेंगे फर्स्ट वाला टूल में और यहाँ पर आकर के ल्यूमिनस को इसका 100 बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कुछ थोड़ा सा बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, +30 के आसपास रख देंगे। उसके बाद हम लोग ग्रीन वाला टूल में आएंगे, इसका सेचुरेशन को फ्रेंड्स 100 माइनस में कर देंगे और इसका ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, 100 ही बढ़ा देंगे हम लोग। उसके बाद यार हम लोग चलेंगे फोर्थ वाला जो ग्रीन वाला टूल है, इसमें अगर ह्यू को इसका 100 माइनस में रखेंगे और सेचुरेशन को 100 फुल में रख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फोटो को ऐसे हम लोग ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हम देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर हम लोग चेंज हो गया फ्रेंड्स। इधर करेंगे तो हम लोग का ग्रीन दिखेगा, इधर करेंगे तो हम लोग का येलो दिखेगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से हम लोग उसके बाद वाला टूल में जाएंगे और सेचुरेशन को इसका 100 माइनस में रखेंगे और ल्यूमिनेंस को फुल बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से हम लोग ब्लू वाला टूल में टोन में जाएंगे और इसका सेचुरेशन को कुछ माइनस में रखेंगे इतना और ल्यूमिनेंस को फ्रेंड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ से हम लोग उसके बाद वाला टूल में जाएंगे, इसका भी सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे और ल्यूमिनेंस को फुल बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद वाला में जाएंगे और सेचुरेशन को 100 माइनस में और ल्यूमिनेंस को पूरा फुल बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को कम में रखना है फ्रेंड्स, तो फोटो ख़राब दिखे। उसके बाद यहाँ से फोटो को हम लोग डन कर देंगे और डन करने के बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे इधर इफेक्ट वाला, इफेक्ट का टूल है यहाँ पे, इसमें आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे हम लोग क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देख सकते हैं फोटो हम लोग को फोटो का क्लियरिटी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है फ्रेंड्स। इधर करेंगे तो हम लोग का फोटो ब्लर हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग को इधर में रखना है आप लोग को +69 में हम रख दिए ताकि हम लोग का फोटो पहले से ख़राब था, तो हम थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए यहाँ पर 69 में रख दिए।
उसके बाद ऐसे हम लोग विगनेट को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे फ्रेंड्स, -19 में। उसके बाद इसका डीएच को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, करीबन 5 हम लोग रख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 12। उसके बाद ऐसे हम लोग डिटेल वाला टूल में इस्तेमाल करेंगे इसको, इसका शार्पनिंग को हम लोग रखेंगे 34। उसके बाद डिटेल को हम लोग रख देंगे 100। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे हम लोग नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे +42। उसके बाद इसका भी मिडिल को 100 बढ़ा देना है फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसे हम लोग चलेंगे ऑप्टिक्स टूल में और दोनों को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद फोटो को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसे हम लोग सिंपली फोटो को ऊपर में जो शेयर बटन है आप लोग को शेयर बटन में टच करके सिंपली फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद यार फोटो को हम लोग लेके आ चुके हैं ऑटोडेस्कैप के अंदर। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले ब्रश का आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ इस टाइप का ब्रश का यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल का। ये जो ब्रश है आप लोग का दिख जाएगा सॉफ्ट रेजर 1, इसको आप लोग को सिंपली टच करना है। उसके बाद यहाँ से चलेंगे सेटिंग में आप लोग को फ्लो का रखना है 20 और स्ट्रेंथ का रखना है 29। उसके बाद फ्रेंड्स साइज को आप लोग को अपने हिसाब से रख के यहाँ पर कट कर देना है और यहाँ से कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स ब्रश चला लेना है। तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से चला लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे तरफ करना है फ्रेंड्स, मतलब आप लोग को जिधर ही काला काला दिखेगा उधर आप लोग को ऐसे करके कर देना है फ्रेंड्स, तभी आप लोग का यहाँ से हो पाएगा। यहाँ से इस ब्रश से आप लोग का किसी में स्क्रेच टाइप का नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, कि ब्रश का निशान नहीं दिखता है इसमें। तो आप लोग को यहाँ से जहाँ आप लोग को खाली यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल करना है इसमें, जहाँ पर आप लोग का काला काला दिख रहा है उधर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देना है। इस बार से आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो फोटो आप लोग का ख़राब दिखेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ से थोड़ा थोड़ा कर देना है इसे, मतलब आप लोग फोटो जहाँ जहाँ काला काला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर आप लोग को प्रिंट करना है कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पर आराम से ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग को कुछ इधर काला काला दिख रहा है तो इसको हम लोग हटाएंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप से ब्रश को चला देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद यह रहें हम लोग इस ब्रश से कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रश में आइकन में फिर से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी में फिर से चले जाएंगे और हम लोग जो रोज़ ब्रश यूज करते हैं उसी ब्रश को यूज करेंगे फ्रेंड्स। स्मूथ का ये वाला 2 नंबर वाला ब्रश लेना है, तो साइज को जैसा रखते हैं 1 में, फ्लो को और स्ट्रेंथ को भी 1-1 में रख देना है और साइज को अपने हिसाब से करके यहाँ पे कुछ स्टेप से ब्रश चला लेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से कर लेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यार भाई लोग फिर से हम लोग फोटो को लेके आ चुके हैं लाइटरूम के अंदर। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले ये टूल में फिर से क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग को चलना है लाइट्स वाला टूल में, यहाँ पे आकर के आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट्स को 100 फिर से माइनस में कर देना है फ्रेंड्स, और शैडो को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, व्हाइट्स को नहीं थोड़ा शैडो को हम लोग बढ़ाएंगे फ्रेंड्स 48 के आसपास रख देना है। उसके बाद व्हाइट्स को हम लोग फिर से माइनस में रखेंगे और ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस करेंगे फ्रेंड्स, -34 रख देंगे। उसके बाद यार हम लोग चलेंगे टू कलर्स वाला टूल में और यहाँ से आकर के मिक्स में सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 नंबर वाला टोन को लेना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा, और लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज़्यादा नहीं, ताकि हम लोग को फेस बहुत ज़्यादा ही लाइट दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग को यार थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ से। उसके बाद चलेंगे फर्स्ट वाला हमारे, इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा लुमिनस को बढ़ाना है यार, और सैचुरेशन को हम लोग यहाँ इसमें प्लस में रख देंगे। उसके बाद इस सब को भी हम लोग वैसे ही सेम कर देंगे फ्रेंड्स, और इधर जो हम लोग येलो वाला टूल में चलेंगे और यहाँ पर अगर के ह्यू को हम लोग यहाँ पे इतना माइनस में रखेंगे 100 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, और सैचुरेशन को हम लोग रखेंगे इसका
44 प्लस कर देंगे। उसके बाद इसका लुमिनियस को हम लोग -19 कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से हम लोग सिंपली ग्रीन वाला टूल में जाएंगे, ह्यू को 100 माइनस में रखेंगे, रेजोल्यूशन को इसका हम लोग 100 माइनस में रखेंगे, लुमिनियस को फुल बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यार हम लोग उसके बाद वाला टूल में जाएंगे और इसका सैचुरेशन को भी हम लोग 100 माइनस में रखेंगे। फिर हम लोग ब्लू वाला में जाएंगे, इसका भी सैचुरेशन को हम लोग 100 माइनस में रखेंगे और लुमिनियस को हम लोग इसमें फुल कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फोटो को हम लोग डन कर देना है और डन करने के बाद हम लोग ऐसे चलेंगे इफेक्ट वाले टूल में और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को क्लियरिटी को थोड़ा सा इनक्रीज करना है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ से हम लोग बिगनेट को थोड़ा सा देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, ताकि फ़ोटो हम लोग को अच्छा थोड़ा सा लगे। उसके बाद यार हम लोग डिटेल वाले टूल में चले जाएंगे और शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं प्लस 25 में रख देना, डिटेल को हम लोग 100 बढ़ा देंगे। उसके बाद नॉइज डिटेक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, प्लस 43। उसके बाद इसका डिटेल को हम लोग 100 कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे ऑप्टिक्स टूल में, दोनों को ऑन कर देंगे और सिंपली यहाँ से हम लोग फोटो को डन कर देंगे। अब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर काफ़ी तगड़ा दिख रहा है फोटो हम लोग का भी। उसके बाद यार हम लोग हेयर में और कपड़ा में ऑयल पेंट करने के लिए यहाँ से हम लोग लेकर जाएंगे टूल विजेप के अंदर, सिंपली यहाँ पर शेयर बटन में क्लिक करेंगे और शेयर कर लेंगे टूल विजेप एप्लीकेशन के अंदर। तो यार भाई लोग हम लोग फोटो को लेके आ चुके हैं टूल विजेप के अंदर। यहाँ के आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को इफेक्ट वाले टूल में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप लोग को सॉफ्ट स्मूद में क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग चार नंबर वाला इफेक्ट को ले लेंगे और मास्क में क्लिक करेंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ इस टाइप से खाली आँखों से हटा देना है, आँखों से हटा देंगे इसको और हम लोग नाक से हटा देंगे और इसको होंठ से हटा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से फोटो को हम लोग सिंपली डन कर देंगे और डन करने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पे आप लोग का फोटो का मतलब फोटो बन रहा है आप लोग का, तो कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना होगा। तो यार यहाँ पे हम लोग का कुछ इस टाइप से कपड़ा में लग चुका है। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे इफेक्ट वाला में क्लिक करेंगे और फिर से सॉफ्ट स्मूथ में चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोग को 3 नंबर वाला भी यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग मास्क में जाएंगे फ्रेंड्स और क्लीन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद कुछ इस टाइप से बालों से हम लोग फिर से चला लेंगे बालों में अपना। उसके बाद यहाँ से हम लोग कपड़ा में चलाएंगे फ्रेंड्स और कपड़ा में चलाने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी अपना मूंछों में भी मार देना है थोड़ा सा। उसके बाद सिंपली डन कर देंगे फोटो को। डन करने आप देख सकते हो और फोटो हम लोग कुछ इस टाइप का हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऊपर में जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है और फोटो को यहाँ से हम लोग सिंपली यहाँ से फोटो को हम लोग सेव कर देंगे फ्रेंड्स। तो यार आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर जो जो बंदे नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स इस चैनल पर आप लोग को हर रोज एक नए नए फोटो एडिटिंग आप लोग को सीखने को मिलते रहेगी, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।